हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है और ये एग्ज़ाम एक्चुअली जियोलॉजिस्ट, जियो फिजिसिस्ट, केमिस्ट ग्रुप ए को रिक्रूट कराने के लिए कराई जाती है। अगर आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.upscionline.nic.in पे जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें 2-स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इस एग्ज़ाम की फ़ीस अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 200 होती है। ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए 200 होती है। वही फीमेल एससीएसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं होती है। अब हम बात करेंगे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए, केमिस्ट ग्रुप ए, जियो फिजिसिस्ट एंड जूनियर हाइड्रो जियोलॉजिस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। ये आप हमारे फोरम पे आके अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरी डिटेल्स हमारे फोरम पे अवेलेबल हैं। अब हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो कैंडिडेट्स 21 से 32 ईयर्स की एज से बिलोंग करते हैं वो इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाती है। जैसे SC ST और ST जो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है उन्हें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब जो भी कैंडिडेट 21 से 37 ईयर्स की एज में आता है वो इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकता है। वही OBC को 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। अनरिजर्व के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। इसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये आप हमारे फोरम पे आके देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है कि और भी किस किस चीज़ों में कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करें अगर मेन एग्जामिनेशन सेंटर की, तो इसका मेन एग्जामिनेशन सेंटर भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और शिमला में होता है। इस एग्ज़ाम को अब हम एग्ज़ाम स्कीम में बात करें तो ये 3 स्टेजेस में कराया जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी स्टेज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं और इसमें 2 पेपर कराए जाते हैं। एक पेपर 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर 300 नंबर का होता है। हर गलत मार्क्स पे 0.33 नंबर कट कर दिए जाते हैं। प्रिलिमिनरी स्टेज में एक पेपर आपको 100 नंबर का जो होता है वो जनरल स्टडीज़ होता है, जो कि कॉमन होगा। जो 300 नंबर का पेपर है वो आपके स्ट्रीम के बेसिस पे होते हैं। आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करेंगे आपका वही पेपर होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दें, अगर आप स्ट्रीम 1 है आपका साइंटिस्ट बी हाइड्रोजियोलॉजी, अगर आपका ये स्ट्रीम है तो आपका दूसरा पेपर जो होगा वो जियोलॉजी या हाइड्रोजियोलॉजी का होगा और 2 घंटे का टाइम होगा आपको, 300 नंबर का पेपर होगा। जो 100 नंबर का पेपर है वो भी 2 घंटे का ही टाइम मिलता है और वो 100 नंबर का पेपर है। ये पेपर हर स्ट्रीम के लिए कॉमन है, जनरल स्टडीज़। दूसरा पेपर आपका डिफरेंट होगा। अब स्टेज 2 आपका मेंस होता है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है और इसमें 3 पेपर कराए जाते हैं। तीनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। इसके बाद आपका आता है स्टेज 3, जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये भी एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होता है। इस एग्ज़ाम को इंग्लिश लैंग्वेज में ही कराया जाता है और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड होता है। जैसा कि मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बता रही थी, अलग अलग सब्जेक्ट का जो 300 नंबर का पेपर होता है, तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं, प्रॉपर टेबल पे एक्सप्लेन है, तो ये आके आप हमारे फोरम पे देख लीजिएगा। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। बहुत चीज़ें कैंडिडेट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो सारी जानकारी हमारे फोरम पे अवेलेबल है। आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पे आ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करिए और आप सारी जानकारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ब्रीफ में ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।